Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में after a certain period of time, कुछ ही समय के बाद क्या आ सकता है. So of course आप जानते ही हैं, हमेशा ही timeless collective और for all signs रहा है. So ये भी reading होगा. So, देख लेते हैं. मैंने सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर वीडियो दिया है, इस आई बटन पर जा रहा होगा, प्लीज देख लेना, ठीक है. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऐसा क्या आते हुए दिखाई दे रहा है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इट इज द फेस ऑफ अ टेडी बियर. टेडी बियर जो होते हैं बेसिकली, आई डू थिंक सो, या लोटस के पत्ते आप बोल सकते हो. लोटस के पत्ते जो होते हैं ना, उसमें खाना भी सर्व किया जाता है ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके लिए खुशियों का जो है ना, वो धीरे धीरे करके ही हो, बट वो आ तो रहा है आपके जिंदगी में. Give me more time, then I will just check it out. Okay. एक बात आपको ऐसा कह दूं मैं, जनरली क्या होता है, ब्लैक मैजिक उन्हीं लोग यूज करते हैं जो खुद के फायदे के लिए और हमेशा लोगों को बुराई के लिए यूज करते हैं. एंड दे यूज ब्लैक एनर्जी और द विचक्राफ्ट प्रोसेस. और उससे क्या होता है, जिनसे वो काफी अटैच्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके बाल या उनके कुछ नाखून या उनके कुछ इस तरह के पहने हुए कपड़े को लेके जाते हैं, एंड देन दे डू दिस, ठीक है. सो बेसिकली आई डोंट नो, आई फील दैट समवन वेरी क्लोज, ठीक है, आपके काफी करीब रहे होंगे और उन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा इविल स्पेल कास्टिंग किया है. It's not a white magic, it's a black, basically. जो तंत्र साधना का एकदम गलत साइड वो यूज इस्तेमाल करके लोगों का, एक्चुअली तंत्र इज वेरी प्योर बट इट हैज बीन यूज इन वेरी नेगेटिव फॉर्म, दैट्स वाई. बट आई डू थिंक सो दैट यू आर बींग प्रोटेक्टेड ऑलवेज. ओके, आपको कुछ समय के बाद किसी का ऐसा मैसेज या कॉल आ सकता है जो आपसे पैसा लेने का कुछ बात जो है इनडायरेक्टली कहे, लेकिन आप उसको मना कर देना, ठीक है, और पैसा देना मत. डोंट लेंड योर मनी. कुछ ये सबके लिए नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ. I do feel like, I do feel like आपको भी कुछ समय के बाद ही ना, अगर आप अपने घर के लिए, because I can see like आपके घर के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं या आप कुछ भी अप्रूव, एनी टाइप ऑफ लोन, मे बी स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन, एनी टाइप ऑफ पर्सनल लोन, सो आप थोड़ा सा बाद में ले. After a certain period of time, देखो थ्री लीफ क्लोवर यहाँ पे आया है. थ्री लीफ क्लोवर जो है वो फेथ, पॉजिटिविटी, लक को इंडिकेट करता है. बट अगर फोर लीफ क्लोवर आता तो मैं आपको बोलती कि यस इट्स बेटर. सो बेसिकली आई कैन सी द लेटर एच के आई. कुछ लोग शायद कैप्सूल्स ले रहे होंगे, कुछ दवाई में कुछ कैप्सूल्स ले रहे होंगे, आई डोंट नो. एक मरमेड दिखाई दिया आपको, देखा. सो मरमेड्स आर हाफ ह्यूमन हाफ फिश. सो बेसिकली आपको इस रीडिंग के बाद हो सकता है कि वो मरमेड्स दिखाई दे. मरमेड्स जो होते हैं जलपरी, ठीक है. नाउ they are extremely like
हैविंग फीचर्स लाइक गॉडेस, और वो उनको माना जाता है एंजल ऑफ द सी. सो बेसिकली अगर आप देखते हो, चाहे वो पिक्चर्स में देखो चाहे आप वीडियोस में देखो, सो तुरंत कुछ आप विशेस मांग लेना. जो जलपरी होते हैं जनरली हमें ये इसीलिए दिखाई देते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट आवर लाइफ. ठीक है, वो हमारी जिंदगी के बारे में हमें कुछ डिरेक्शन देना चाहते हैं. ओके आपके घर में आपके घर वाले आपके बिना पूछ के ही किसी के साथ आपकी शादी पक्का करने का इरादा कर रहे हैं. आई डोंट नो वेदर यू विल लाइक दैट पर्सन और नॉट, बट इस तरह से मुझे दिखा. क्या हो सकता है इन फ्यूचर वो करे. आई कैन सी अ टेम्पल जिसके ऊपर एक बेल है, वो चर्च भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट एक आपके घर के नजदीक या बेल या चर्च या टेम्पल या कोई जगह जो स्पिरिचुअल है जो रिलीजियस है वो वही इंडिकेट करते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी होगा इफ यू जस्ट प्रे फॉर इट, ठीक है, इट विल बी मैनिफेस्टेड सून. जितना आप जल्दी जल्दी उसको करोगे उतना ही वो जल्दी जल्दी ही मैनिफेस्ट होगा. दिस इज अ ब्यूटिफुल शेप. आपको ये शेप क्या लगता है आप जरूर बताना. मुझे ये शेप आई डोंट नो आई फील लाइक इट इज द लाइक गणेश जी इज सिटिंग ऑन अ वेरी गुड म्यूजिकल मोड, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. आपको क्या दिखाई दे रहा है आप जरूर बताना. आई कैन सी लॉट ऑफ कनेक्शंस कमिंग फ्रॉम योर रिलेटिव साइड. मतलब आपकी शादी जो है आपके रिलेटिव के थ्रू भी हो सकता है, उनके कोई फ्रेंड्स, उनके कोई रिश्तेदार, इस तरह से. आप कोई ऐसा बाइक परचेस करने वाले हो, स्पेशली फॉर अ मेल, आई डोंट नो मे बी अ फीमेल, वट एवर विल परचेज अ वेरी हैवी बाइक. मतलब बाइक का वेट काफी हेवी होगा, इट कैन बी अ स्पोर्ट्स बाइक, मे बी इट इज हायाबुसा, आई डोंट नो. हायाबुसा का नाम बताने क्यों आया, या कोई और, आई डोंट नो अबाउट द ब्रांड्स ऑफ बाइक्स एटलीस्ट. सॉरी. आपकी सोल जो है किसी से ऐसे कनेक्ट होने वाले हैं, मुझे इस तरह से दिख रहा है. आपको लगेगा एक ऐसे समय आप विजुलाइज करेंगे जब ये कनेक्शन होगा आपके आंखों के सामने, ना सिर्फ और सिर्फ झूमर, रोशनी, कैंडल्स और एक पैसेज जो गुलाबों से भरा हुआ होगा. यू विल फैंटेसाइज दिस थिंग्स वंस दिस कनेक्शन कम्स टू यू. ना आपको ऐसा लगेगा बिकॉज दिस विल बी अ रियल सोल टू सोल कनेक्शन. तो रूह है तो मैं काया बनूं, वही है. इफ यू आर द सोल देन आई एम द बॉडी, इट्स लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इरोटिक प्लेजर्स, कुछ लोगों के लिए सेंशुअल कनेक्शंस, बहुत आप करीब जा सकते हैं. कुछ लोग ऑलरेडी कुछ मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर चुके हैं, या कोई गुरु जी को आप मिल चुके हैं या मिलने वाले हो, जिनके सामने बैठकर आप देखोगे कि किस तरह से वो बात करते हैं. या हो सकता है ये आपके गुरु हो, प्रोफेसर हो. देखो यहाँ पे आ रहा है. ओके, आई कैन सी गेटिंग योर टेलीफोन कॉल. फोन कॉल, कॉल आ रहा है यहाँ पे. अभी वो इंटरनेट भी हो सकता है, इंटरनेट कॉल, जैसे व्हाट्सएप में होता है इंटरनेट कॉल, इट्स लाइक दैट.
विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ऐसा हो सकता है। देखो रिसीवर आ रहा है, रिसीवर का ये एक जो है आप ना व्हाइट पैरट्स देखेंगे, अगर आपने देखा तो अपने आप को काफी ज्यादा लकी मान लेना फिर। ओके कुछ ऐसा तिथि या कुछ ऐसे मे बी अष्टमी तिथि, मे बी समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डे हो सकता है जहां पे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होगा। मे बी योर बेबी विल बी बॉर्न ऑन अ स्पेशल डे। देखो सबसे बढ़िया बात जो है ना, आप अपने बचपन को जो है ना उसको जिंदा रखना हमेशा। देयर्स अ नेकलेस विच इज फॉर्मिंग, कुछ ताबीज या कुछ माला हो सकता है कि आप ऑलरेडी ले रहे हो किसी से। ऑलराइट लेट मी सी। Recognize despair as an opportunity within it. You will find the gift of awakening. देखो this is like the world card, जहां पे मैंने आपको कहा था कि आप बहुत कुछ experiences का सामना करेंगे, उसमें कुछ आपके लिए अच्छा experiences तो रहेगा, साथ ही साथ कुछ oppositions भी रहेंगे, लेकिन आप उसी, जैसे बोला जाता है ना कि जब भी अंधेरा का बादल होता है तब उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग होता है। सो बेसिकली यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट हर एक डार्क साइड के बाद एक ब्राइट साइड भी होता है। फ्लेम्स ऑफ डिजायर, आई टोल्ड यू 70 नंबर द स्टार कार्ड, बेसिकली आपके ग्लो, आपकी ऑरा, आपकी फायरी नेचर, आपके चार्मिंग ठीक है नेचर, डेफिनेटली आपके फ्लैम्बॉयंट नेचर लोगों को आकर्षित करेगा। Okay, and that would be a great positive factor for you. Live in this world as a dreamer. Create a future paradise. आप अपने स्वर्ग जो है खुद बनाने वाले हो। Feel the power of your blood and ancestors. आपके रगों में जो भी खून दौड़ रहे हैं, आपके पूर्वज के हैं, आपके माता पिता के हैं, so definitely you are carrying the संस्कार्स, you are carrying their heredity, you are carrying their mentality also. So, उसको जारी रखना, उसको कभी खोने मत देना, एंड डेफिनेटली यू विल विन। ठीक है, आप अपने संस्कार से ही बहुत कुछ चीज जीत सकते हैं और उनके आशीर्वाद से ही आपका भला बहुत ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव योर लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड